मेहनत तो की मैंने, 2 साल से मैं घर पे थी, खुद से प्रिपरेशन कर रही थी और डेली 10-12 घंटे मैं पढ़ाई को देती थी। 8 घंटे तो ज़रूर ही दिया करती थी लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता था। बाकी मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करने की ज़रूरत होती है। पूरी फैमिली का ऑब्वियसली अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर, लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो पूरी फैमिली का बहुत इसमें योगदान रहा है। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन जो हर जगह मेरे साथ जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए साथ में, तो सभी लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि आपको ज़िंदगी में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, बच्चों को खुद भी बहुत इंस्पायर्ड होकर पढ़ने की ज़रूरत है, और तभी हमारा जब सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेट हो करेंगी तभी वो हमारी सोसाइटी एक आगे बढ़ पाएगी। महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि उन्हें अपना एक थोड़ी असर्ट, एक अथॉरिटी असर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं दीन के हिसाब से भी, दुनिया के हिसाब से भी, तो उनको भी अपना पूरा मकाम कायम रखना चाहिए अपने फैमिली में, अपनी बाहर की लाइफ में, और अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए और सब में बराबर भागीदार रहना चाहिए। खुशी तो इतनी है जो बता नहीं सकते हम लोग, बहुत ज़्यादा खुशी है। सभी लोग आ रहे हैं, अपने सब रिश्तेदार हैं, अपने भाई बंद हैं, सब मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, बाकी सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोगों ने खूब दुआ की है इसके लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इसमें पूरा हमारे साथ में रहा है और उसके साथ में हमारे उलमाए दीन के लिए, उलमाए दीन ने भी हमारे लिए बहुत दुआ की है। बाकी हमारे सभी रिश्तेदार नज़दीकी सभी लोग इसमें, बाकी उन लोगों का जो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं।